नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ कमर दर्द में कुछ अजीब अनुभूतियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण औषधि बताने जा रहा हूं, जिसका अगर आप लक्षणानुसार सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कमर दर्द की अगली कड़ी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई रोगी कमर दर्द के रोग से पीड़ित है तो उसे हरेक चीज अगर घूमते हुए नजर आए, चक्कर सा महसूस हो, अंधेरे कमरे में अगर चलता हो तो लड़खड़ा के गिर जाता है, रोगी को अपने पांव में एवं कमर में चींटी रेंगने जैसी अनुभूति होती हो, अगर रोगी एक ही स्थान पर ज्यादा देर तक बैठता है तो उसका नितंब सुन्न हो जाता है, चलते समय अगर रोगी का तलवा सुन्न हो जाए, दर्द एवं बेचैनी के कारण रोगी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाए, रोगी को पीठ में ऐसा दर्द होता है जैसे कि गर्म गर्म सलाखे उसके पीठ में घुसा दी गई हो। इन विचित्र लक्षणों में होम्योपैथिक की औषधि एल्यूमिना को आपको 30वीं या 200वीं शक्ति में व्यवहार में लाना है। 2 गुण सुबह, 2 गुण दोपहर एवं 2 गुण रात्रि में लगभग 1 महीने तक सेवन करें, ये सारे लक्षण समाप्त हो जाएंगे एवं दर्द में आराम मिल जाएगा। विचित्र लक्षणों के लिए अगली औषधि है साइलिसिया। रोगी को पीठ में ऐसा दर्द होता है जैसे कि उसे किसी ने डंडे से पीटा हो, रोगी की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में दर्द का होना, रोगी के टांगों का कांपना, रोगी जरा भी चलता फिरता है तो बहुत ज्यादा थक जाता है, खासकर सुबह उठने के बाद। इस प्रकार के लक्षण प्रायः शरीर में रक्त एवं रस की कमी के कारण होते हैं। अगर कोई रोगी स्त्री के साथ संभोग करता है तो उसके सारे शरीर में बहुत ही भयानक दर्द शुरू हो जाता है। रोगी के शरीर के अंगों का कमजोर पड़ जाना, माथे पे बहुत ज्यादा पसीना आना आदि लक्षणों में साइलिसिया को 30वीं या 200वीं शक्ति में आप व्यवहार में लाएं। 2 गुण सुबह, 2 गुण दोपहर एवं 2 गुण रात्रि में लगभग 1 महीने तक आपको इन सारे लक्षणों से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम लोग एक विशेष बात जानते हैं कि कमर दर्द के रोगी को किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। कमर के दर्द के रोगी को हमेशा कड़े बिस्तर पर सोना चाहिए। रोगी को हर काम करते समय शरीर को हमेशा सीधा रखना चाहिए, चाहे वो खड़ा हो या बैठा हो। रोगी अगर कुर्सी पर बैठता है या गाड़ी चलाता है तो उस समय पीठ के नीचे वाले भाग पर एक छोटा सा तकिया रखना चाहिए। इन सावधानियों से उसके कमर दर्द में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा एवं लक्षणानुसार औषधियों का सेवन करने से उसकी कमर दर्द की समस्या समाप्त हो जाएगी। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। किन्हीं भी मित्रों को किसी भी प्रकार की समस्या हो और हमसे कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चलते चलते आपसे पुनः अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।